खड़े फड़े और क्या गाइस, ऐसा लग रहा है खड़े खड़े पहुंच जाएंगे। एक तो 40-45 मिनट का सफर है हमारा महासमुंद तक, और ऐसा लग रहा है कि खड़े खड़े ही पहुंच जाएंगे। मगर भाई पूरा ऑल टोटल एसी है ऐसा तो लग, बट भाई बहुत मस्त है। आगे की पूरी चीज़ें फुल है, मतलब सीटें इधर ही खाली है बस। सर C1 में है कुछ ऐसा, बहुत आ गया ना सर? हाँ पहला डब्बा। ओके सर, तो भाई टिकट चेक हो गया, फर्स्ट बोगी है अपना। एंड यहाँ से देखो भाई, भाई अपन सीट पे बैठे ही नहीं है, खाली चले पड़े हैं, क्या कर रहे हैं? अगर आते नहीं तो छूट जाता है ये। ऐसे लोग साथ में चलेंगे ना तो यही होगा। तो देखा आप सभी ने जैसा कि ट्रेन भी मैंने पूरा दिखा दिया भाई, शुरू से लेके आखिरी तक दिखा दिया। और यहाँ पे हमें टच LED दिखता है हाइड्रोजन में है, और बहुत ही प्यारा है गाइस। और वहाँ पे अपना जो LED बोर्ड है ना, वहाँ पे अपने को ना टाइम, स्पीड और किलोमीटर सब दिखाता है, और नेक्स्ट स्टॉप कौन सा है, कहाँ तक जा रही है ट्रेन, वो पूरी डिटेल दिखाता है भाई। और चलो मैं थोड़ा और दिखाता हूँ, एक शायद चेयर घूमता उमता है क्या भाई, घुमा के दिखा देते हैं। हाँ दीपेश, ये देखो गाइस, यहाँ पे हमें ना चार्जिंग प्लग मिलता है, और ये हर जगह पे नहीं है, सीट के मतलब हर बोगी के कुछ बीच बीच में हिस्सों में है। अरे भाई ये वाला नहीं घूमता, लग रहा है हमें आगे जाना पड़ेगा, आगे से चल के दिखाता हूँ ना। तो भाई मैं आपको दिखाता हूँ इसका कार चेयर, ऐसा कुछ बोलते हैं। ये देखो गाइस, ये पूरा रोटेट होता है और हम बैठ के दिखाने वाले। तो भाई कुछ ऐसा विंडो मजा लेते हैं ऐसा, भाई तू भी बैठ जा दीपेश। ये देखो गाइस, तो ऐसा कुछ सीटिंग, अबे भाई झूला झूल रहे हम तो, ऐसा कुछ सीटिंग पोस्चर है। और हाँ मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, जैसे कि अपन इसको हटाएंगे ना तो यहाँ पे हमें मिलेगा खाना खाने के लिए, एक इधर है अच्छा ये दोनों इधर, ये दोनों ऐसे है। यहाँ पे एक मेरा आ गया, एक दीपेश का आ गया, जो कि हमें कोई खाना और पानी नहीं मिला है भाई, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ रायपुर से महासमुंद जाने के लिए ना पता कितना टिकट भाड़ा दिए, 430 रुपये भाई, इतना महंगा है ना एक हिसाब से अगर काउंटिंग करें ना, काउंटिंग करें तो जो इसका भाड़ा किलोमीटर के हिसाब से ना प्लेन से भी ज़्यादा है भाई, सही बता रहा, देख रहे हो इतना महंगा है। और ये हमारा एक स्टेशन पास हो रहा है, क्या व्यू आ रहा है भाई, बहुत ही प्यारा है भाई। ट्रेन तो बहुत ही मस्त है, बहुत ही प्यारा है, क्या ही बताओ। और फैसिलिटीज़ भी आपको एक नंबर प्रोवाइड करते हैं, और देख रहे हो सीटिंग वीटिंग तो मुझे बहुत सही लगा, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है बैठने में, गद्दे वद्दे अच्छे हैं, और ये सब जो देख लो क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, ये देखो। एंड अपन इसको वापस अंदर डाल दे रहे हैं, हट जा भाई। तो ऐसा कुछ सीन है, बहुत ही प्यारा लग रहा है भाई। तो गाइस देखो, वापस से मैं शुरू से चीज़ें बताता हूँ, हुआ क्या था कि हम ना 6:15 पर हमारी ट्रेन थी, और हम लोग आते टाइम ना बहुत लेट हो गए थे, और जैसे हम लोग आए ना वैसे हमारी ट्रेन भी आई, तो हम लोग डर गए थे, तो हम लोग जल्दी जल्दी उतरे, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जल्दी जल्दी उतरे और अपने सीटिंग पे गए, और सीटिंग पे नहीं मतलब सबसे आखिरी वाले में पहुँचे, तो वहाँ पे हम लोग अंदर घुसे भाई, पहले ट्रेन में बैठ जाते उसके बाद अपन सीटिंग अरेंजमेंट कर लेंगे। अंदर गए बैठे, फिर अपने को पता चलता है C1 है हमारा, और सी मतलब कोच एक नंबर था, तो बहुत आगे जाना पड़ता है। तो हम लोग सीटिंग से मतलब ट्रेन के अंदर से आ ही रहे थे। तो सर इस वीडियो से अगर थोड़ा बहुत आप इंजॉय हो रहे हो, आप इंटरटेन हो रहे हो, तो प्लीज़ चैनल पे नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो जय हिंद भाई लोग, अभी हम लोग और महासमुंद आते हैं, तो मिलते हैं, वहाँ से हमें कैसे जाना है वो भी बताएंगे आपको। तो देख लो गाइस, अभी हम लोग तो झूला झूल रहे हैं फिलहाल, अभी पैराटा ऐसा कुछ सीन है। और ये अपन अगर आप और भी साथ आते हो तो ये सीटिंग आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रायपुर जंक्शन महासमुंद हम पहुँचने वाले हैं 6:53 पे, फिर खरियार रोड पहुँचेंगे 7:28, और कटवा कंजी ऐसा कुछ है 8:13 को वहाँ पे, ऐसे करते करते पूरा यहाँ पे बताता है। और उसके बाद ये लास्ट स्टॉपेज इसका विशाखापट्टनम, जो कि यहाँ से करीब 450 किलोमीटर पड़ता है। और मैं आपको वॉशरूम भी दिखाता हूँ वंदे भारत का, जो सबसे मेन चीज़ है कि यहाँ का वॉशरूम कैसा है, तो वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा, तो देखते हैं चलो। ये गाइस तो देख सकते हो, ये कुछ छोटा सा है, यहाँ पे लॉक भी है, अपन यहाँ पे हैंगिंग कर सकते हैं, कुछ सामान रखना है, ये इंग्लिश वॉशरूम भी मिलता है उधर होगा अपना हिंदी जो भी है। और पानी प्रॉपर आ रहा है देख सकते हो, एकदम धोने वोने के लिए सही है भाई। और ये क्या है,
पता नहीं क्या है ये, और ये विंडो है और यहाँ पे हमें मिल जाता है भाई हैंड वॉश करने के बाद तो सुखाना ही पड़ेगा भाई। कौन से कलर है ये देखो, पानी वाली प्रॉपर आ रहा है इसमें। इधर भाई दबाओ, धो लो एंड इधर वॉश कर लो। अबे भाई बंद हो जा, हो गया। सो गाइस फाइनली हम महासमुंद पहुंच चुके हैं और ये हमारी जो जर्नी थी इतना शॉर्ट था ना भाई, 55 किलोमीटर आए हैं अभी। करीब हम लोगों को कितना टाइम लगा होगा, आधा घंटा बस, आधे घंटे में हम लोग महासमुंद। इतना फास्ट क्या ही बताऊं भाई, बहुत सही था, मज़ा आया ट्रेन का एक्सपीरियंस करके, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था ट्रेन। चलो गाइस अब हम लोग उतरेंगे और अपन अपनी गेटिंग पास पे चलते हैं और खुलने लेफ्ट साइड जैसे भाई। अब हम लोग उतर रहे गाइस, बाय बाय वंदे भारत। ये देखो गाइस ऐसा कुछ नहीं, तो मैं दीपेश थंबनेल के लिए फोटो ले ले भाई, जल्दी कर। जर्नी आज ख़त्म हो गई, इतना जल्दी, इतना छोटा जर्नी था, कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ पता ही नहीं चला। एंड ये है हमारी ट्रेन न्यू वंदे भारत जो कि विशाखापट्टनम में अब जाएगी। अभी हम महासमुंद है, अब यहाँ से हमें लोकल ट्रेन लेकर रायपुर वापस जाना है। क्यों दीपेश? तो गाइस अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लो सब्सक्राइब, वीडियो कर लो लाइक, एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।